दूसरे बेबी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आपका पेपर में पड़ी थी, आपके पति की भी शादी हुई ली ना? अरे इनकी भी शादी हुई है। अच्छा इनकी भी हुई है? मेरी भी शादी हुई। हाँ मेरे को डाउट तो था, दोनों का साथ में फोटो देखा था। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू दीदी, यू आर वेरी नाइस। आई सी और सेफ सर सब बढ़िया, वेरी नाइस। खैर यामी जी, मेरे को आपसे एक सवाल था। बोलो दीदी। दीदी पहली बार किसी ने बोला दीदी, ये तो मैं दीदी दीदी बोलती है। देखो ये होता है जब थोड़ा हो जाए ना और खुद रिलेशन बनाते हैं लोग। बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेरे को आपसे एक सवाल था, जब आपके हस्बैंड ने आपको जब प्रपोज किया था तो आपने हामी भरी थी कि यामी भरी थी? प्रपोज ही नहीं किया था। नहीं किया था? किसने किसको प्रपोज किया? किसी ने नहीं किया, शादी हो गई। ऐसे हो जाता है? ऐसे हो जाती है। मेरा कब होगा ऐसे? हाँ, दीदी। खैर आपने हमको शादी पर तो बुलाया नहीं। हाँ। लेकिन आते आते हमारे लिए एक लड्डू ही ले आते, मेरे लिए कम से कम। दीदी शगुन तो दो पहले। देखो मैं पर्स भी लेके आई हूँ, कोई शगुन कोई कपिल कोई देता मैं नहीं। तीन साल से भीख मांग रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिया इसने आज तक। जैकलिन मैं तो आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत फॉलो करती है। थैंक यू। हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप पोल डांसिंग करते हैं ना? जी। हाँ मैं भी पोल डांस करती हूँ। तू कहाँ पोल डांस करती है? हाँ हम विरार लोकल रहती ना फास्ट, उसमें हमारा पोल डांस ही तो रहता है। सच्ची में आप लोग तो बड़े लोग हैं, ट्रेन व्रीन में जाते नहीं है जी। वहाँ पर मैं चर्च गेट से जब चालू होती है तो सबसे पहले हमारा ट्वर्किंग चालू होता है। फिर उसके बाद जैसे दादर आया और पब्लिक इधर से आई तो पहले ये पोल डांस, फिर इधर चालू रहता है, फिर उसके बाद जैसे माटुंगा आया इधर से पब्लिक आई इधर से चालू हो जाता है, ऐसा रहता है। नेक्स्ट स्टेशन आता है फिर? नेक्स्ट स्टेशन कुछ नहीं, ये रहता ऐसा रहता है। क्योंकि उधर क्या रहता है, तेरे जैसा थोड़ी रहता है, आइए प्लीज बैठिए इधर विराज में, उधर तो यार मैं जाएगी पहले, हट गए मैं जाएगी पहले, ऐसा रहता है ट्रेन का तो। माय गॉड। एक एक जोक के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुपर, टू गुड। कह रहा अच्छा आप ब्रदर्स में भी थे ना? जी। हाँ ब्रदर्स का भी मेरे को ऑफर आया था पहले मेन रोल के लिए। तो किया क्यों नहीं फिर? ओ मेरे को किसी आदमी ने सिस्टर बना लिया। किसी ने सिस्टर बना लिया फिर। लेकिन अच्छा हुआ मैंने ब्रदर नहीं की जी। हाँ सिस्टर में ज्यादा पैसा है। आपकी भूत पुलिस पिक्चर बहुत कमाल की। आपको मालूम है अर्चने जी को भी एक दिन भूतनी चिमट गई थी? अरे सच्ची में हमारा एक दिन लेट पैकअप हुआ था सर। ये मडेलैंड गई, सामने भूतनी आ गई, कितनी जोर से चिल्लाई थी भूतनी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भूतनी इनको देख के घबरा गई, इनके बदन में घुस गई। अच्छा। परमित जी को कितना टेंशन हुआ था, माय गॉड। परमित जी हस्बैंड वो पूरा तांत्रिक वांत्रिक और सब झाड़ वीडियो सब लेकर आ गए। फिर ये आदमी की आवाज में बात करने लगी। फिर मैंने देखा परमित जी रिएक्शन ही नहीं दे रहे। मैंने बोला आप देखो तो सही, बोले नहीं घर में कभी कभी करती है आदमी के जैसा बात, लेकिन ये क्या हो गया। फिर जब इन्होंने चीजें तोड़ना चालू किया ना तब पता चला इनके अंदर भूतनी है। माय गॉड। 3-4 घंटे लगे ऐसा निकालने में, तब जाके 99% भूतनी निकली है इनके अंदर से। बाकी 1% वो तो सुनते ही है ना। वही है मैं आपको बता रही है, 99% वो भूतनी का वीडियो निकल गया, 1% का ऑडियो रह गया अंदर। सपना तू करने के आई इधर? एक्चुअली भूत पुलिस है ना सेफ सर, है ना भूत पुलिस है सब लोग, तो हमारे इधर इंडिया के भूत लोग है कप्पू, उन लोग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो बोले पुलिस वाले आए तो वो सॉल्व कर सकते हैं हमारा प्रॉब्लम। मैं बुलाती हूँ उनको। हाँ सर बुलाऊ मैं? हाँ प्लीज। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भूतरे। इतना टाइम नहीं होता, आ जाओ। टाइम क्यों ले रहा है? सारे जवाब उन तो ऐसे कर रहे जो शाहरुख खान एंट्री ले रहे, इतना क्या टाइम ले रहे। और जल्दी आने का हमारे इधर, समझा सर। हैव यू बीन टू एमबी वैली? यस है ना। yes. उसके आगे जोम्बी वैली है वहां से। और ये कहां से? तू भूतनेश्वर से सर? भूतनेश्वर। इतना बड़ा शो पे आए हो तुम लोग कप्पू के, ड्रेसअप करके आना चाहिए ना। ये क्या हुलिया बना रखा है, वो भी तैयार होके आती है ना?
नहीं नहीं, मैं आपको नहीं अर्चना जी, मैं वो पीछे वाली को बोल रही थी। हाँ अर्चना जी, आपसे तो हम प्यार करते हैं ऐसा आपको लगता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं अर्चना जी, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, ऐसा पब्लिक को लगता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं अर्चना जी, हमने जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है, ऐसा कभी सोचना भी मत। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, अरे नहीं ऐसी बात नहीं, आपको मालूम है। थैंक यू थैंक यू। मैं सच्ची बताऊँ, हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, कप्पू मैं अर्चना जी, कितने साल हो गए ना। मैं सच्ची दिल से एक बात बोलूँ, कप्पू और मैं आपके लिए जान भी दे सकते हैं। यार झूठ मेरे से बोला ही नहीं जाता, मैं छोड़ो। गॉड, हाँ सैफ सर आए, यामी जी आई हैं, जैकलीन, अपना प्रॉब्लम बताओ। तुम पहले बताओ बाबा, तुम बताओ क्या है प्रॉब्लम? अरे हम लोग उधर नहीं, इतना परफॉर्मेंस मत दे, नॉर्मल बात है। हाईवे पे खड़े रहते, हम लोग को कोई लिफ्ट ही नहीं देता। हाईवे पे खड़े रहते, किसी दिन ट्रक ने ठोक दिया ना तो फिर से मर जाएगा क्या? हाईवे पे खड़े रहे, ये क्या प्रॉब्लम है? जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? अरे हमारे पैर सीधे करो, हमें देखने होते हमने कौन से जूते पहने। तुम्हारी लाइफ में लॉजिक है कि नहीं? पैर का एको सीधे करवा, तेरी मुंडी घूमती है ना, तो घूम के ऐसा देख लेना पीछे। अच्छा मेरे को तुम लोग को पूछने का था, तुम लोग क्या साबुन बेचने का काम करते हो क्या? नहीं तो, तो फिर जब हीरोइन लोग नहा रही होती तभी क्यों आते हो? वो तो गया तुम लोग का, चलो भागो इधर से, बस हो गया, कुछ भी पूछे जा रहे हैं, चलो। सपना हो गया तेरा? हाँ हो गया तेरा, तू भी निकल चल। नहीं नहीं कप्पू, मेरे ना सैफ सर आए ना, तो मेरा एक सर, मैं एक प्रपोज लेके आई थी। नहीं प्रपोजल, सॉरी। हाँ हम लोग नाला सोपारा में अलग अलग फिल्में बनाते हैं, यू नो नाला सोपारा? हैव यू बीन? आपने बताया था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम बताया था? हाँ जी, बहुत बड़ी जगह है, इंडिया में ही है। अच्छा मैं पूछने वाला था, इंडिया में है? इधर ही, इंडिया में। तो हम लोग उधर ना भोजपुरी पिक्चर बनाते हैं अलग अलग टाइप का, तो अभी आप प्रोड्यूसर भी बन गए, तो मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे, तो मैं चाहती आप OTT पे करें। अभी OTT पे आप बहुत सैफ सर क्या काम कर रहे हैं, मस्त। कौन से सब्जेक्ट है तेरे पास? हमारा करंट टॉपिक पे हम लोग एक भोजपुरी पिक्चर बना रहे हैं, उसका टाइटल है भैया चलाए मशीन और भौजी लगाए वैक्सीन। ये झूठ बोलती है सर, कोई फिल्म नहीं इसके बाद। चल मसाज करो, निकल तू। अच्छा मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है सर, आप लोग के लिए अभी आए हैं तो। आपकी मेरे को पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी, कॉकटेल, तो कॉकटेल मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते हैं सर। Where is this going? और फिर एक मुर्गा उसकी छाती पे बिठा देते हैं। मुर्गा मतलब कॉक। और फिर वो कॉक अपनी टेल से मसाज करता है, ऐसा कॉक टेल मसाज। खैर सर मेरे जाने का वक्त आ गया सर, हमारे पास बहुत कस्टमर लोग आते हैं ना, वो टीनू आनंद, यू नो टीनू आनंद एक्टर, वो मेरे पास मसाज के लिए आए थे। अच्छा। मैंने उनको इतना अच्छा मसाज किया कि उनको आनंद आ गया। तो जब आनंद आ गया तो आनंद पहले से था, तो दो आनंद हो गया उनके पास में। अरे मैं कंफ्यूज हो गई, और आनंद फानंद में जाते जाते वो मेरा आनंद ले गए, क्योंकि मसाज मैंने की थी, मेरी मसाज पे आनंद आया था, वो वाला आनंद लेकर और अपना वाला आनंद छोड़ दिया। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब मेरे को आनंद आता है तो उनका आनंद आता है। आनंद एक्सचेंज होगा, उसके बाद फिर आनंद आएगा। कुल मिला के मैं क्या पूछ रही है सर, आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? आया, लेकिन नहीं आना चाहिए। आप सैफ अली खान है, सैफ आनंद अच्छे नहीं लगेंगे सर, मैं बता रही। खैर मैं जब चलती हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।